और थेचू का असली मतलब क्या होता है, कुमाऊनी में थेचू या गढ़वाली में थेचौनी क्यों कहते हैं, कुमाऊं की एक और बड़ी मशहूर डिश क्या, खीरे का रायता। पुष्पा देखो जी, आज आपको एक बहुत बड़ी चीज दिखाता हूँ पुष्पा, जो बना रही है, जो पहाड़ में बहुत लोग खाते है ना, पहाड़ी लोग ज्यादा खाते हैं इसको, चाहे वो फिर गढ़वाल से हो या कुमाऊं से हो, लेकिन पहाड़ी लोग ज्यादा खाते हैं। क्यों पुष्पा? हाँ, कुमाऊं और गढ़वाल में ही खाते हैं इसको ज्यादा। और ये देखो, कुछ कुछ तो समझ गए होंगे इस सिलबट्टे को देख, जो गढ़वाली है वो तो समझ गए। हाँ, गढ़वाल के लोग तो हाँ समझ ही गए होंगे, कुमाऊं के भी समझ गए होंगे ये क्या हो रहा है। पुष्पा, आलू छिल रही है फिलहाल, मतलब नॉर्मल बंदे के लिए आलू की सब्जी हो सकती है, लेकिन पहाड़ी लोग तो हाँ। आज पुष्पा बनाई है, पुष्पा बता दो, ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते। लेकिन इससे पहले कि पुष्पा बताए, अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और कुछ कमेंट करना तो वो भी कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज वो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ और ऑल पे क्लिक करना, ताकि हमारी वीडियोस जल्द से जल्दी आपको देखने को मिले। और पुष्पा बताएगी अभी ये क्या बना रही है। पुष्पा बता दो। मैं बना रही हूँ आलू की थेचू। आलू की थेचू या थेचवाणी भी बोलते हैं ना, गढ़वाली लोग ज्यादा बोलते हैं थेचवाणी बोलते हैं, थेचवाणी हमारे क्या बोलते हैं, थेचू है ना, आलू का थेचू बोलते हैं कुमाऊं में, मतलब थोड़ी सी गढ़वाली और कुमाऊनी में थोड़ा इतना ही अंतर है बस कि है ना, वो थेचवाणी बोलते हैं, हम थेचू बोल देते हैं, बस हो गया। तो अभी क्या करेंगे, मेन इसका क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। वैसे आलू को इसमें थेचू इसलिए बोलते हैं कि थेचू क्यों बोलते हैं अभी दिखा देंगे। हाँ, थेचू क्यों बोलते हैं वो अभी देखो। पुष्पा कहती है सस्पेंस रखो जी थोड़ा सा, देखो समझदार होगी, समझदार। चलो ठीक है, पहले इसको छिलने देते हैं और फिर आगे का दिखाएंगे। दोस्तों, आज ये पुष्पा ने एक पूरी प्लेट भर के, मतलब दो टाइम के चावल, मेरे ख्याल दो से भी ज़्यादा के होंगे, ये साफ़ किए हैं। देख लो अच्छे से, जो ये लाए थे ना हल्द्वानी से वाले चावल है, ये इनमें साफ़ किया अच्छे से। और ये देखो अभी इतने सारे चावल और पड़े हुए, और ये पुष्पा ही कर सकती थी इनको साफ, क्योंकि हमारे बस की तो ये बात नहीं है भाई चावल चावल साफ़ करना ना, तो ये पुष्पा ही कर सकती है। और दोस्तों प्लीज़ एक चीज़ का मुझे जवाब प्लीज़ दे देना जरूर, कि कईयों को लगता है कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, अगर आपको बोरियत लगती है कहीं से तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि आपको बोर होता है, थोड़ा सा शॉर्ट बनाया करो वीडियो। अगर छोटी वीडियो बनानी है तो प्लीज़ कमेंट कर दो कि हाँ जी छोटी वीडियो बनाया करो, तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो बने। फिलहाल तो ये देखो जो ज़्यादा अच्छे से होती है ना, हम डिटेल से हाँ वो भी बता देना, और इसलिए डिटेल में बताते हैं ताकि अगर आप कुछ देख रहे हो ना तो कुछ सीखने को भी मिले, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, जो प्रोसेस है उसको देखने को सही लगे, क्योंकि जो ये प्रोसेस वाली वीडियो होती है तो पूरी देखने में ही ठीक लगता है। तो फिलहाल तो हमने आलूओं को काट लिया है पुष्पा ने, हमने नहीं पुष्पा ने, ओ पुष्पा गई है, मेरा नाम लो जी। तो चलो अब क्या करना है इसको, अब पुष्पा सस्पेंस खोलेगी, ये क्या जमूरा अब राज खोलेगा, जमूरे एक जमूरा, मैं मदारी तो ऊपर बैठा है, सबको नचा रहा है ना, जब हमारा नंबर आएगा तब हमको भी फर्स्ट से। तो ये देखो जी कार्रवाई शुरू हो गई है, तो फिलहाल इनके दो दो टुकड़े कर रही है देखो जी पुष्पा, लेकिन अभी तक सस्पेंस नहीं खोला इसने, क्योंकि ये थेचू क्यों होता है और थेचू का असली मतलब क्या होता है, कुमाऊनी में थेचू या गढ़वाली में थेचौनी क्यों कहते हैं, तो ये उसका जवाब अभी देगी पुष्पा। और ये देखो जी ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इस समय, ये देखो ये ऐसे, तो इसी को बोलते हैं पहाड़ी में हमारे कुमाऊनी में थेच दिया मतलब कि कुचल दिया, कुचलने को थेचना बोलते हैं, जैसे कट कट कुचल दिया, अदरक कुचल दिया वो ना, तो उसको थेचना बोलते हैं कि थेच दो इसको थोड़ा सा, तो ये प्रोसेस को थेचू इसीलिए बोलते हैं कि ये थेचवाणी, तो इसकी थेच के जो सब्जी बन जाती है उसको बोल देते हैं थेचवाणी बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं थेचू बनाओ जी, तो यही है वो थेचू। ठीक है, तो नाम इसलिए पड़ा है इसका थेचू कि भी इसको थेच के बनाते हैं, यानी कि कुचल के थोड़ा सा मसल के बनाते हैं, तो यही है इसका राज। लेकिन ये बनती बहुत जबरदस्त है चावलों के साथ, तो मतलब इतनी जबरदस्त, ओह मजा ही आ जाता है खाने में। तो आज बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से कुछ पूछवा, कब कितने टाइम हो गया, कब बनाया था, बहुत पहले बनाया था ये भी है ना, तो आजकल हम वो चीजें बना रहे हैं जो हमने बहुत पहले ट्राई की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। तो ये देखो जी इस तरह से बस इनको पूरा कुचलना नहीं है, बस ऐसे देखो ये छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, कहने का मतलब वैसे जो कट के बनती है सब्जी, लेकिन ये थेचू का अलग ही मतलब, इससे ना जो रस जो है ना वो सारे इसके रेसे टूट जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो इसको खाने का मजा आता है ना, आप देखना बिल्कुल सिंपल सी है, और आप ट्राई करना एक बार, ट्राई करना जैसे पुष्पा बना रही, मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहना, और अभी के अभी लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करो, वीडियोस देखते हैं आप लोग और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करो, थोड़ी हमको ग्रोथ मिलेगी उससे, है ना। कुछ ऐसे भी है जो सब्सक्राइब कर लेते हैं पर देखते नहीं।
कई सब्सक्राइब वाले ये तो देखते नहीं है, ठीक है, तो प्लीज देखा करो, है ना, और हमें थोड़ा सा आपके साथ की जरूरत है, प्लीज आपके प्यार की जरूरत है, तो करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, प्यार मिलता रहेगा, है ना, वही बात है, हम प्यार बांटते हैं, हमको भी प्यार मिलना चाहिए, यही हम अपेक्षा करते हैं आपसे बस। और ये देखो जी इस तरह से थेच के, वाह बस, तो पूरा अभी वीडियो लंबा हो जाएगा ना इसलिए रोक देते हैं, फिर उसके बाद दिखाएंगे अगला प्रोसेस। और दोस्तों देखो जी कढ़ाई में डाल लिया सरसों का तेल, लोहे की कढ़ाई है, और इसमें सबसे पहले पुष्पा ने डालना है हींग, और ये थोड़ा सा हींग डल गया बस, ठीक है, और इसके साथ गया जीरा, और ये गया प्याज, ठीक है जी, ये प्याज, वाह बस, ये प्रोसेस अब शुरू हो गया है आलू का थेचू बनाने का, ठीक है, यानी कि जो लोग गढ़वाल से वो बोलते हैं थिचवाणी, तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कुछ, तो ये हो गया। और ये देखो जी पुष्पा लगी हुई है, ये लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है, और ये भी इसमें डलेगा, ठीक है, और ये अदरक लहसुन का वैसे पेस्ट भी है, वो थोड़ा सा वो भी डाल देंगे क्योंकि बचा हुआ था, तो एक पैकेट मतलब वो भी डाल देंगे, कोई बात नहीं, है ना, तो ये हो गया। और दोस्तों अगर ये जैसे चूल्हे में बना रहे होते ना, तो क्या कई बार क्या करते थे, प्याज को और टमाटर को ना चूल्हे की कोयलों में रख लेते थे, तो इसके बाद उसका टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त बनता था, बहुत ही, अभी हमारे पास तो है नहीं और गैस में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो अगर आप कर सकते हो ना तो प्याज को और टमाटर को थोड़ा सा जला लेना कोयलों में, और उसके बाद फिर इसको डालना इसमें, और खोल के देखो क्या खुशबू और क्या मज़ा आता है। तो ये देखो जी इस तरह से बनेगा कुछ, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना, और ये देखो जी इसमें डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्च, तो डाल दिया पुष्पा ने, ये वाला पैकेट भी डाल देते हैं इसमें फटाफट। और दोस्तों वाह ये देखो जी डाल दिया इसमें, और खुशबू आने लगी बहुत अच्छी अदरक लहसुन की, वाह यही तो टेक्सचर, इसमें अदरक लहसुन अच्छे से घुल गया है, और एक टमाटर को देखो पुष्पा ने कद्दूकस कर लिया बिल्कुल, तो इसकी ना जो ग्रेवी है पतली पतली बनती है, ज़्यादा खड़े मसाले इसमें नहीं चाहिए, और पुष्पा को मसाले निकाल के दे देता हूँ मैं पहले, ये लो जी हो गया, तो ये मसाले निकाल दिया पुष्पा, थोड़े थोड़े मसाले डालेगी सारे, ये देखो जी ये गया धनिया पाउडर, ठीक है, ये अपने मसाले जो है अपने हिसाब से आप डाल लेना, मसाले चार ही हैं देखो, धनिया पाउडर, मिर्च, लाल मिर्च है, ठीक है, थोड़ी सी चटपटी बनती है एक्चुअली, हरी मिर्च डाल देना हमने इसमें, तो इसको थोड़ा सा चटपटा ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये गई हल्दी, वाह, और ये देखो मसाला बहुत ज़बरदस्त बन रहा, देखो दोस्तों कितना अच्छा बन रहा है कि नहीं, और ये वाह, और ये गरम मसाला थोड़ा सा, गरम मसाला थोड़ा ही डालना, ठीक है ना, मिर्ची डाल लेना तब भी हरी गरम मसाला नहीं, और ये देखो ये टमाटर भी गया इसमें, और वाह ये देखो, और इसको, और ये मैं सिर्फ हिला रहा हूँ, पुष्पा ही बना रही है वैसे सारा कुछ इसी का है, ठीक है, ठसका लग गया, बहुत ज़बरदस्त मसाले भाई, और थोड़ी सी कचौरी मिर्ची भी डाल लेंगे इसमें अभी, पहले टमाटर, चलो पहले आलू डाल लेते हैं, ये लो ताकि ठसका लगना लग जाए, बस ये हो गया, और ये देखो जी कितना ज़बरदस्त, अब आलू को थोड़ा सा इसके साथ पहले फ्राई कर लेते हैं, मिला लेते हैं अच्छे से, और दोस्तों ये देखो जी मिला लिया इसको अच्छे से बिल्कुल, और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, तो दोस्तों अभी तो बस हल्का सा पानी डालना है इसमें, अभी पानी डाल लेंगे, ये देखो ऐसे, अब इसमें ये गया पानी, और ये पानी ना दोस्तों भात खाने के लायक, जितना आपको अच्छा लगता है उतना डाल सकते हैं, मतलब ज़्यादा पतला मत करना, चावलों के साथ खाना है ना इसलिए इसको, क्योंकि इसको रोटी के साथ नहीं खा सकते, इसको चावल के साथ ही खाते हैं, रोटी के साथ खाता है, और हाँ ये देखो पानी इसमें पूरा डाल दिया है, अब ये अच्छे से आलू के पकने तक इसको पका लेना, बस यही हमारा काम है, तो ओहो इसमें नमक डालना तो भूल गए, चलो अब डालेंगे नमक, मुझे याद है, याद है पुष्पा को याद है, अच्छा बाद में डालना था, चलो ठीक है ये भी ठीक है, चलो जी नमक भी डाल गया, सब कुछ हो गया, अब नमक को मिला भी लेते हैं। और दोस्तों चावल की ड्यूटी लगा दी है प्रज्वल की, ये देखो आप ऐसे मत सोचना प्रज्वल नहीं कर रहा है, ये देखो ये इसके उल्टे काम है, आधे गिरा भी दिए इसने, ये देखो ऐसे काम करते हैं, है ना, काम दिया और उल्टा करने ही करना। और दोस्तों पुष्पा ने देखो आलू का थेचो बना लिया है, और इसमें आ रहा है उबाल, तो इसको बनने देते हैं, और मैं बनाता हूँ कुमाऊँ की एक और बड़ी मशहूर डिश, क्या खीरे का रायता, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बना कर खाता हूँ, जस्ट स्टे विद मी। तो दोस्तों चलो जी कुमाऊनी रायता बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है, ये देखो इधर
यहाँ पे मैंने राई रखी है थोड़ी सी, ये राई है और थोड़ी सी लेना, ठीक है। देखो दो कप दही है, अभी एक कप इसमें डाल रखा है, एक कप ये है, तो दो कप के लिए इतनी सी आई, आधा चमचा राई है शायद, तो इसको मैं पहले पीस लेता हूँ। और हाँ, मुझे सिल पीसनी आती है, ऐसी बात नहीं है, सिलता मतलब यूज करना आता है मुझे, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, इसको पीस लिया, अब इसी में डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, ये हो गया जी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, इसी में डाल लेंगे, ये देखो जी नमक, ये क्या नमक, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी, थोड़ी सी स्वाद के लिए, बस टेस्ट के लिए हल्का सा, बस ये देखो इतनी सी लाल मिर्च और हल्की सी हल्दी, हल्दी भी जरूर है इसमें चाहिए, ठीक है। तो ये हल्दी, ये सारा चीज़ें, अब इनको एक बार फिर से रगड़ा लगा लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये बन गया मटेरियल हमारा तैयार। और जब ये बनाओ ना तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये हाथ जो है अच्छे से धो लेना बाद में, नहीं तो इधर उधर लगा लोगे ना तो किनावलम में पड़ जाओगे। अब इसको सारा डाल देंगे दही में, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, फिर इसको करूँगा मैं खीरे को कद्दूकस। तो और बस ये देखो इसमें पानी मिला के इसको भी धो लिया अच्छे से, अच्छा भाई ये भी अंदर, चलो ये हो गया। अब इसमें करते हैं खीरे को कद्दूकस, ये आ गया खीरा, और इसको ना छिलके के साथ ही काट लेंगे, और ये साइज, तो डायरेक्ट खीरा इसके अंदर कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है। ये देखो जी कद्दूकस हो रहा है, खीरा निकल रहा है नीचे। खाने का मतलब है यही नहीं है कि सिर्फ खाना ही चाहिए, बनाना भी चाहिए, उगाना भी चाहिए, ताकि पता लग सके कि ये उगता कैसे है, किसानों की कितनी मेहनत होती है। तो लो जी आधा खीरा तो कर लिया, और आधा खीरा ये है, बस इसको भी कर लेते हैं। प्लीज़ कमेंट मत करना कि नीचे की गिर रहा है, सारा गिरा दिया, ऐसा मत करना, थोड़ा सा ही गिरा कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, ठीक है। तो ये देखो जी दो कप दही इसमें डाल लिया अच्छे से, अब इसको मिला लेंगे अच्छे से, तो फिर इसका कलर, ये देखो कलर भी अच्छा आ गया इसका बिल्कुल। और दोस्तों ये देखो कितना ज़बरदस्त बना है, और इसका टेस्ट तो मैं बताऊँ कुछ बताएगी, प्रज्वल बताएगा, टेस्टी बताएगी, मैं तो क्या ही बताऊँ, मुझे तो पता है कि मैंने बनाया क्या है। और दोस्तों ये देखो जी कितनी सुंदर लग रही है आलू की थेचू, आलू का थेचू कितना जबरदस्त बना हुआ है। और देखो पुष्पा ने परोसना शुरू कर दिया है सबके लिए, बाबा थोड़ा फ्लट, और वाह ये देखो ये जो है ना ये खाना, ओहो हम पहाड़ी लोगों को क्या चाहिए खुश रहने के लिए, पता क्या है, देखो रायता, आलू का थेचू, भात और पूरे परिवार का साथ, तो बस हमारा दिन बन जाता है ना। और हम संडे को सब साथ होते हैं, तो देखो कितना अच्छा खाना बनाया हुआ, अभी टेस्ट करके भी बताएगी पुष्पा भी, प्रज्वल भी, है ना। मैं टेस्ट करके बताऊंगी, तुम लोग बताओ। नहीं नहीं टेस्ट नहीं नहीं थेचू तो मैं बताऊंगा, टेस्ट करते रायता। हाँ। रायता पुष्पा रायता, तो चलो जी चलो, अब इसके बाद अब हम खाने की करते हैं तैयारी। ये जब चलता रहेगा रायता, क्या मतलब, तो ये लो जी प्रज्वल को देखो रायता चाहिए, तो देखो जी सब खाने लगे, अब बता भी कैसा लगा, अच्छा है? देखो पुष्पा ने चखा रायता सही में, और मैं थोड़ा सा थेचू आगे कैसा बने, वाह पूरा पहाड़ जैसा, बिल्कुल मस्त एंड जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त, वाह। अब रायता भी खा के देखो मैं कैसा बना मेरे वाला, कह रहा पूरे पहाड़ जैसा, वाह पूरा पहाड़ी मजा आ गया, ओ रायता तो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बना है, लेकिन थेचू भी बहुत जबरदस्त बना हुआ है। तो चलो जी अब खाने की करते हैं शुरुआत, देखो इस तरह बैठ के परिवार के साथ खाने में मजा आता है, और कूलर की आवाज़ के लिए सॉरी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाना भी बहुत मस्त बना हुआ है। तो चलो जी लंच करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और दोस्तों क्या मज़ा आ रहा खाने में, सच में ऐसा सोचा नहीं था इतनी अच्छी सब्जी बनाई, क्यों सुबह बहुत मज़ा आ रहा है। और बच्चों एक चीज़ और तुमको सिखा देता हूँ, हमारे पहाड़ में ऐसे होता है ना, जैसे हम अभी ग्रुप में बैठे हैं, इसी तरह से जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो किसी भी साथ बैठे हों ग्रुप में, तो सबसे पहले ये देखना कि कौन सा सीनियर है खाना खाने के लिए, है ना। जब भी ऐसे बैठे हों जिसका खाना ख़त्म हो जाए तो वो उठे ना, जब तक कि वो जो घर के बड़े बैठे हुए वो उठ जाए ना, तो साथ में मतलब हमेशा साथ में उठने की कोशिश करो। तो हमारे ऐसे ही करते हैं कि साथ में ही उठते हैं, अभी तो चलो हम घर के हैं, मान लीजिए हाँ मान लीजिए कि हमारी प्लेट में ख़त्म हो गया, हम बैठे ना अपने भाइयों के साथ या ताऊ चाचे के बैठे इकट्ठे बैठे खा रहे किसी फंक्शन में, तो उसमें क्या होता है कि इकट्ठे बैठे हैं तो इकट्ठे उठें,
है ना, तो ऐसे अलग से नहीं उठते कि एकदम से, जैसे मेरा खाना खत्म हो गया और मैंने खा लिया, जैसे प्रज्वल की थाली खत्म हो गई, अब प्रज्वल वेट करेगा कि जब तक मम्मी खा ले, मतलब इस तरह से थोड़ी सी सीनियरिटी वाइज देखते हैं ना, क्यों इस पर इसी तरह से होता है ना। तो फिर चीज़ नहीं करते, हाँ पर अब हम शहरों में है ना तो हम नहीं करते, लेकिन गाँव में वगैरह सब करते हैं। तो चलो जी, सबको गर्मी भी लग रही है, चलो चला ले कूलर चला ले अब। तो दोस्तों सबने खाना खा लिया और सही में अब तो नींद भी आई, क्योंकि पेट कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया मैंने, है ना, पेट ज़्यादा भर गया। तो बस अब आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही देना। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय। चढ़ा देगा अर्श से फर्श तक, नहीं फर्श से तक। ओ इसके साथ की साइड यानी कि खीरे का रायता, तू भी नलका हूँ ही खोल ला बस। There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions.